अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा एवं इंदौर शहर की चारों पंचायतों तथा इंदौर शहर वाल्मीकि जयंती समिति के संयुक्त तत्वाधान में एवं परम पूज्य संत शिरोमणि श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज के आशीर्वाद से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि जयंती पर 12 एवं 13 अक्टूबर को 2 दिवसीय आयोजन किए जा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन समिति के पटेल राकेश नरवाले, चौधरी शंकर खलीफा, चौधरी शंकर चिंतामन, संरक्षक महेश गोहर पटेल, बाबूलाल सिरसिया, इंजीनियर संतोष कल्याणे, हरीश नागर ने बताया कि 13 अक्टूबर रविवार को प्रातः 10 बजे इंदौर के हृदय स्थल कृष्णपुरा से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा कृष्णपुरा से राजबाड़ा, एमजी रोड, नगर निगम रोड, चिकमंगलूर चौराहा होते हुए श्रम शिविर पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा में 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिसमें एक प्रमुख झांकी में भगवान वाल्मीकि एक सुंदर रथ पर विराजित होकर वाल्मीकि रामायण लिखते हुए दिखाई देंगे और लव और कुश उनके सारथी बने हुए दिखेंगे। आयोजन में 751 से अधिक माता बहनें कलश लेकर मंगलगान करते हुए चलेंगी। शोभा यात्रा में 21 अश्व पर विभिन्न महापुरुषों की वेशभूषा में नन्हे बालक बालिकाएं बैठेंगे। भगवान वाल्मीकि के रथ के पीछे फूलों की बरसात करती हुई तोप भी रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य के साथ मार्ग पर सफाई अभियान भी साथ साथ चलेगा। शोभा यात्रा में भजन गायक भजन गाते हुए चलेंगे तथा गरबा मंडल, अखाड़ी एवं डीजे भी रहेगा। शोभा यात्रा का मार्ग में अनेक मंचों से स्वागत होगा। शोभा यात्रा में प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश भी दिया जाएगा। पिछली बार से अब की बार ज़्यादा लोग उपस्थित हों, ये हमारा प्रयास रहा है। और प्रत्येक जो हमारी इंदौर शहर की 28 सफाई कामगारों की बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में प्रत्येक बस्ती में हमने मतलब जन जागरण पैदा करने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं और उस दिन भी जाएंगे। साथ ही महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हम लोग कृष्णपुरा से इकट्ठे होकर के माँ अहिल्या प्रतिमा पर एक परिक्रमा लगाते हुए चल समारोह हमारा जो है श्रम शिविर पर पहुँचेगा। वहाँ हमारा जो है धर्म सभा होगी। ये हमारा आयोजन है। इस आयोजन की हमारी प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि हम लोग अब की बार, पहले भी हमने संदेश दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम एक और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से एक सभा में वहाँ अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय करेंगे कि हे प्रभु परमात्मा, अब इस देश में जो अत्याचार अन्यायी जो लोग पैदा हो गए हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ जो बलात्कार अनाचार हो रहे हैं, माँ बहनों के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही हैं, उन पर विराम लगाने के लिए प्रभु श्री हमारे महर्षि वाल्मीकि जी से अनुरोध करेंगे। हाथ जोड़ करके भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम हमारा जो देश एक शांतिप्रिय देश है, धार्मिक देश है और शिव का देश है, देवी देवताओं का देश है, कम से कम इन भावनाओं को मतलब थोड़ा सा